सब एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले तो टाइम आप देख लीजिए, रात के 2:14। पूरा दिन भर का थका हुआ हूं, ठीक है, बहुत नींद आ रही है। बट मैं आपको बात बता दूं, यूट्यूबर बनना भाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। एंड बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपने एंटायर क्यूब कलेक्शन की वीडियो बनाओ, कॉस्ट कितना हुआ बताओ, तो वही आज आपके साथ एक क्विक में वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले वार्डरोब में एंड ये वाले वार्डरोब में बस इतने ही क्यूब्स हैं मेरे पास, ठीक है। वैसे तो ड्रीम है मेरा कि नीचे के जो चार वार्डरोब्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर भी पूरे क्यूब्स भर दूं, बट अभी उसके लिए टाइम है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटेल्स की। तो यहां आप देख सकते हैं वुडन पजल्स का एक सेट है मेरे पास, जिसको मेरे दीदी ने गिफ्ट किया था थाईलैंड से। पजल गिफ्ट बॉक्स मुझे मिला था। एंड यहां आप देख सकते हैं एक पिरामिंग्स है, ठीक है, एक यूब्स एंड लिटिल मैजिक है। यहां देख सकते हैं दो मीलों के क्यूब से, एक क्यूबले लू ट्विस्ट है, ये 2x2 है जिसको अभी रिसेंटली हमने परचेस किया, ठीक है। एंड यहां आप देख सकते हैं ये 3x3 है। एंड ये पॉप शुगर की वॉरियर है, एंड ये नॉर्मल रेगुलर की वॉरियर है, एंड ये की का सेल है जिसका स्टिकर्स निकाल के हमने यूब्स एंड लिटिल मैजिक के ऊपर, यानी इसके ऊपर ट्रांसफर करे थे, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर के रैक के क्यूब्स है। वैसे मैं बता दूं, मैं कोई अरेंज वीडियो नहीं बना रहा, जस्ट कैजुअली बना रहा हूं। एंड यहां आप देख सकते हैं एक सिलिकॉन ऑयल है, एंड एक लिवॉन का हेयर सीरम है जिसको मैं लुब्रिकेंट के जैसा यूज करता हूं। एंड यहां पर आप देख सकते हैं एक 5x5 है, एक 4x4 है, RS3M है, मीलोंग है, ये दो मैग्नेटिक क्यूब्स है, ये टूटा हुआ नेगी RS है, ठीक है, दो मैग्नेटिक, सिर्फ अभी तो फिलहाल के लिए दो मैग्नेटिक क्यूब्स है मेरे पास, ठीक है, एक टूटा हुआ नेगी है, एंड एक मीलोंग का मिरर क्यूब है, एंड 4x4 5x5 है। ये की वॉरियर आई थिंक है जिसको हमने शॉपसी से खरीदा था लास्ट 3 हफ्ते पहले, ठीक है, इसको अभी सेल नहीं किया मैंने, अभी इसको बहुत जल्दी सेल करने वाला हूँ। ये तो 3 पीसेस ऐसे ही नए पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड ये एक ओपन पीस है, एंड ये क्यूब ले लो ड्रिफ्ट है, ये तो सब्सक्राइबर का गिफ्ट था, एंड ये मीलोंग 2x2 है, एंड ये स्टोरियो का 3x3 है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमारे पास 3x3, 17 यानी 17 3x3 हमारे पास है, एंड 2 2x2 है हमारे पास, एक मीलोंग का एंड ये कंपनी का, तो 2 2x2 है, एक 17 3x3 है, एंड एक 4x4 5x5 है हमारे पास। एंड ये नेगी का टूटा हुआ है, बट हम इसको असेंबल कर सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाँ, एक पिरामिंग्स है हमारे पास जो कहाँ गया भाई, यहाँ है वुडन पजल से, बस इतना ही है, ठीक है। एंड आप लोग कॉस्ट, आप लोगों को डेफिनेटली दिमाग में आ रहा होगा कि इन सबका कॉस्ट कितना है, तो इन सबका कॉस्ट मैंने कैलकुलेट किया 10,600 रुपए के अराउंड ये आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ज्यादा हो सकता है फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंगली, बट 10,600 रुपए। अब आप लोग को एक डाउट ये आ रहा होगा कि कंपेरेटिवली ये बहुत कम है, अगर दूसरे क्यूबर से हम कंपेयर करें तो ये बहुत कम है क्यूब्स क्वांटिटी में। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्यूबिंग का भी मुझे इतना क्रेज नहीं है, आई मीन डेफिनेटली क्यूबिंग का क्रेज है, तभी तो मैं सब 10 बन पाया, क्यूब कलेक्शन का उतना क्रेज मेरा नहीं है। एंड आप देख सकते हैं क्यूब के अलावा बहुत दूसरे फिटनेस पे भी मेरा इक्वली इंटरेस्ट एंड क्रेज है। यहाँ आप देख सकते हैं मेटल के हैंड ग्रिपर्स मैंने खरीद रखे, यहाँ आप देख सकते हैं 200 एंड 300 LBS के, एंड ये दो हैवी क्वालिटी के अच्छे प्लास्टिक के ग्रिपर्स है, एंड ये मेटल ग्रिपर्स है, एंड ये तो जिन लोगों को मालूम जिम जाते हैं उन लोगों को पता है, ये हम इसको हैंड ग्रिप कहते हैं, एंड ये वाला ग्रिप भी है मेरे पास। अभी एक हैंड एंड पियानो ग्रिप है जो अभी मैंने मेरे कजिन को दिया कुछ रीजन से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रिपर्स ऑलमोस्ट अराउंड 3,000 रुपए के है, ठीक है, 3,000 रुपए के अराउंड ये ग्रिपर्स है, एंड ये सिर्फ ये दो मिला के 900 रुपए के, ये दोनों है, ये दोनों इसको हम बारबेल के ऊपर लगाते जिम करने से पहले। एंड यहां आप देख सकते हैं एक रिंग लाइट है जो मेरे दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड ये वाला मेरा ट्राइपॉड है जिसके ऊपर मैं हर रोज शूट करता हूँ वीडियोस, ठीक है। एंड यहां आप देख सकते हैं दो डंबल्स है, एंड ये पुशअप स्टैंड है, मेटल के पुशअप बार है, एंड यहां आप देख सकते हैं ये योगा का एंड जिम मैट है, इसी के ऊपर मैं अपने दूसरे एक्सरसाइजेस भी करता हूं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि क्यूबिंग का क्रेज है मुझे डेफिनेटली, बट इतना क्रेज नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के क्यूबिंग पे ही पूरा अपना पैसा खर्च करूं। इसके अलावा मैं रेस्टोरेंट्स में भी जाता हूं,
ट्रैवलिंग भी करता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, दोस्तों के साथ चिल करता हूँ, हैंग आउट करता हूँ, तो उसमें भी मेरा बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने हर पैसा अपना क्यूबिंग के लिए मैंने अभी फिलहाल के लिए तो डेडिकेट नहीं किया, इसीलिए मेरे पास बहुत कम क्यूब्स है। अगर फिटनेस का मुझे शौक नहीं होता एंड ट्रैवलिंग का, रेस्टोरेंट्स का शौक नहीं होता, तो शायद ये पूरे वार्डरोब जो आपको दिख रहे नीचे के पूरे भर जाते। बट अभी के लिए इतना मैं क्रेजी नहीं बन सकता क्यूबिंग के लिए। हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा अर्न करना, ज्यादा अर्न करना स्टार्ट कर दूं यूट्यूब से भी, तो शायद ये पूरे वार्डरोब्स में भर दूं क्यूब से, शायद वो भी दिन आ जाए। तो बस इतनी है मेरी एंटायर क्यूब कलेक्शन। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।